आप देख रहे हो गुरु ज्योति पत्रिका। बने रहिए हमारे साथ। सटीक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के डूंगरपुर में तीन नदियां यानी कि माही, सोम, जाखम के संगम पर स्थित बैणेश्वर धाम में 16 मई को प्रस्तावित कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की सभा के सियासी मायने भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस मौके पर तीनों के तालमेल वाले अनूठे समीकरण भी बन रहे हैं, जो एक संयोग है। वागड़ के प्रयागराज यानी कि बैणेश्वर के त्रिवेणी संगम पर गांधी परिवार की ये तीसरी सभा होगी, जिसमें तीन गांधी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ एक मंच पर होंगे। इस मंच के माध्यम से कांग्रेस तीन राज्य यानी कि गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगी। 14 साल बाद आएगी सोनिया गांधी बैणेश्वर में। वर्ष 2008 में यूपीए चेयरमैन के तौर पर सोनिया गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। इसके बाद 2018 और 24 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने यहां सभा की थी। अब 2022 में एक बार फिर गांधी परिवार बैणेश्वर के मंच पर होगा। इस प्रकार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 14 साल में 2 बार बैणेश्वर पर राजनीतिक सभाएं की है। नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2018 को सभा की थी। इन जगहों पर खास फोकस रहने की संभावना है। इस मंच के माध्यम से गुजरात में 27 और राजस्थान में 25 आदिवासी सीटों पर फोकस रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में इस धाम से प्रदेश के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी गुजरात के आदिवासी बाहुल्य जिलों के समीकरण बनेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, गुजरात के संतरामपुर, दाहोद, पंचमहल, मध्य प्रदेश के धार, रतलाम, झाबुआ जैसे जिले को कवर हो सकेंगे।